देखिए वीडियो पूरा देखने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके नजदीकी सिनेमा घर में कहीं भी हर हर महादेव लग रही है तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मूवी जाकर जरूर देखिएगा। स्टोरी मैं आपको बता दूं, 300 मराठों की है जिन्होंने एक जगह रुककर 3000 से ज्यादा मुगलों को मारा था। और देखिए हमने ना 300 के नाम पे बस यही मूवी देखी है जो हॉलीवुड ने हमें दिखाई है। भाई हमारा इतिहास क्या है उसके बारे में कोई नहीं जानता। और उस सेना की अगुवाई कर रहे थे बाजी प्रभु देशपांडे, एक ऐसे योद्धा जिन्होंने आखिरी सांस तक न जाने कितने सैकड़ों लोगों को मार गिराया था बस स्वराज्य के लिए, अपने देश के लिए। और इस फिल्म का प्रमोशन नहीं हो रहा है यार ढंग से, दिक्कत की बात है। जितने भी रियलिटी शोज उनको बड़ी फिल्म चाहिए, अगर नॉर्थ के रियलिटी शोज की बात की जाए, डांस इंडिया डांस, झलक दिखला जा, जितने भी ये शोज हैं वहाँ पर आपके ना फिल्म का लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। और जो इस फिल्म के हीरो हैं वो हैं शरद कालेकर, जो आपने तानाजी में देखे होंगे शिवाजी का कैरेक्टर कर रहे थे, यहाँ पर वो बाजी प्रभु देशपांडे का कैरेक्टर कर रहे हैं। तो भाई कहीं भी प्रमोट नहीं हो रहा टीवी के ऊपर, और आई डोंट थिंक सो, अभी तक तो कपिल शर्मा का शो आ जाना चाहिए इनके साथ, लेकिन वो भी नहीं आया है क्योंकि शरद कालेकर एक्टर बहुत अच्छे हैं लेकिन जो सो कॉल्ड स्टार होते ना वो नहीं बन पाए आम जनता के लिए, जिसके चक्कर में मूवी का इतना भारी प्रमोशन हो नहीं रहा। मूवी पहले मराठी में बना रहे थे लेकिन लोगों को लगा कि यार हर हर महादेव हिंदी में भी होनी चाहिए, मराठी में भी होनी चाहिए, बंगला में भी होनी चाहिए, कन्नड़ा में भी होनी चाहिए, तेलुगु में होनी चाहिए, तो भाई अब हर लैंग्वेज में आ रही है। देखिए हमने तुम्बड़ के साथ क्या किया था, रिलीज होकर फ्लॉप होकर चली गई, तो उसके बाद जब हमने देखा उसको 3 साल बाद तो हमने रियलाइज किया कि बड़ा मास्टरपीस, ये चीज हर हर महादेव के साथ नहीं होनी चाहिए दोस्तों। 1 साल बाद 2 साल बाद रिपेंट करने से, पछताने से, मीम बनाने से कुछ नहीं होगा कि मास्टरपीस था। जाओ और जो मूवी डिजर्व करती है उसको देख आओ। शरद इज अ गुड एक्टर, मूवी इज अबाउट गुड कंसेप्ट कि कैसे हमने इतने तगड़े योद्धा अपने पास रखे थे और जिनके इतिहास में किताबों में कोई जानकारी नहीं, गो एंड लर्न हिस्ट्री। बाकी यार हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज आके देखिएगा, एंड मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द। ट्रेलर देखा हो तो प्लीज ट्रेलर बताएं, रिव्यू कैसा लगा आपको। तब तक आप सभी को बाय बाय, हर हर महादेव।